बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि उसमें पहले से खराबी था, तो अगर पहले से खराबी था तो उसको टेक ऑफ करने के लिए परमिशन ही नहीं मिलता। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग डेविएशन माइंड। गाइज, एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया पटना एयरपोर्ट पे स्पाइस जेट के साथ, और टेक ऑफ हो गया था, यानी कि आसमान में ही ये बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया, और पैसेंजर सारे सेफ हैं नहीं है, क्या है कुछ न्यूज आज का इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो और इसी तरह से एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो उस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है कि मेरा वीडियो रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हो। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो आज देखो, एज अ रिपोर्ट की अगर माने तो हुआ कुछ यूं कि स्पाइस जेट का जो एयरक्राफ्ट था वो पटना एयरपोर्ट से सेफली टेक ऑफ तो किया, बट जैसे ही टेक ऑफ किया उसके कुछ टाइम के बाद जो इंजन है उससे पक्षी टकरा गया, यानी कि इंजन में पक्षी घुस गया, और पक्षी घुसने के बाद लगातार तीन धमाके हुए आसमान में ही, और इसको बहुत सारे पैसेंजर्स ने रिकॉर्ड भी किया, मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा दूंगा। और स्पाइस जेट जैसे ही टेक ऑफ किया उसमें आग लग गया, और उसमें करीब मोर देन 150 पैसेंजर्स थे, और इसको कंट्रोल करना ही मुश्किल है, और टाइम टू टाइम ऐसा केस आते रहता है, यानी कि इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जब कभी फ्यूजलाज से बर्ड स्ट्राइक हो गया, जब कभी इंजन में बर्ड स्ट्राइक हो गया। जब इंजन में बर्ड स्ट्राइक होता है तो आप सोच सकते हो कि जो भी जहाज को फोर्स मिलता है आगे जाने के लिए वो इंजन से ही मिलता है, तो अगर इंजन में बर्ड स्ट्राइक हो गया तो उसमें बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स डिसबैलेंस होने की वजह से उसमें धमाका हुआ। और क्या बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि उसमें पहले से खराबी था, तो अगर पहले से खराबी था तो उसको टेक ऑफ करने के लिए परमिशन ही नहीं मिलता, क्योंकि उसको पहले से चेक किया जाता है, जो इंजीनियर्स हैं वो सीआरए साइन करते हैं, तभी एक आप फ्लाइट को टेक ऑफ कर सकते हो। तो ये जो भी सीन हुआ है ये बर्ड स्ट्राइक की वजह से ही हुआ है, और बर्ड स्ट्राइक की वजह से वो जो धमाका हुआ, जो आग लगा इंजन में, वो उसके वजह से ही लगा है, और उसके बाद टेक ऑफ किया, और फिर उसके बाद सेफली स्पाइस जेट को पटना एयरपोर्ट पे लैंड करवा दिया गया। और स्पाइस जेट का एरोप्लेन पटना से दिल्ली ले जा रहा था करीब 150 से ऊपर पैसेंजर्स को, तो इसको सेफली पटना एयरपोर्ट पे लैंड करवा दिया गया, कोई भी पैसेंजर्स को कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। बट हाँ, इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं ये काफी सोचने लायक है, बिकॉज बर्ड स्ट्राइक को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप हर जगह पे पेड़ काट रहे हो, बट उतना ही हिसाब से पेड़ लगाना ताकि जो बर्ड का रहने के लिए जगह है वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो इसके वजह से बर्ड्स को भी दिक्कत ना हो। सो गाइस, यही था आज का कुछ बहुत ही सैड न्यूज स्पाइस जेट से रिलेटेड, और आशा करता हूँ कि इसको आगे ना दोहराया जाए और आगे ना हो इस तरह के एक्सीडेंट्स, बिकॉज बहुत हर्ट होता है जब इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, तो एज एविएशन लवर। सो गाइस, यही था हमारा आज का न्यूज़, आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा और नोटिफिक लगा, प्लीज रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है कि मेरा वीडियो रिलीज हो चुका है एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको कोई भी क्वेश्चन को भी डाउट हो एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सीधे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है यहाँ पर, इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, एंड कोई भी क्वेश्चन को भी क्वेरी जो आप पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू।